reportprint.in के न्यूज रूम से मैं रंजीत झा। हमारे साथ जुड़े हैं पोल एक्सपर्ट हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत कुमार और हमारे और एक और सीनियर जर्नलिस्ट बिमलेंदु सिंह। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है, रुझान बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है स्थिति भी स्पष्ट होती जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और यहाँ की जो ताजी तस्वीरें हैं, वो जो ताजे आंकड़े हैं, पहले मैं वो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि यह स्थिति क्लियर रहे कि कहाँ क्या चल रहा है। तो जो पहला आंकड़ा, जो मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में भाजपा आगे हो गई है, 112 सीटों पर भाजपा आगे है और कांग्रेस 106 सीटों पर। अगर जो बहुमत की बात करें तो 100 जो जादू आंकड़ा है 116 सीटों का, मतलब 4 सीट और चाहिए होगा भाजपा को मध्य प्रदेश में बहुमत में प्रवेश कर जाने के लिए। वही छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीटें हैं, वहां पर 90 सीटों पर रुझान आ गए हैं और वहां जो स्थिति है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 58 सीटों पर आगे है, यानी जादू आंकड़ा पार हो चुका है, भाजपा पिछड़ चुकी है। राजस्थान की बात करें तो 195 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें वहां भी कांग्रेस का दबदबा बढ़ चला है, वहां पर जो है भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। और तेलंगाना की बात करते हैं तो वहां पे 119 में से 119 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें टीआरएस 91 सीटों पर आगे है और कांग्रेस का जो गठबंधन वहां पर 17 सीटों पर है और भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है, बस 3 सीटें वहां मिली है। और मिजोरम की बात करें, मिजोरम 40 सीटों के आंकड़े आ गए हैं और जिसमें जो स्थिति है वहां कांग्रेस 8 सीटों पे आ गई है। अब तो बता दें कि पूर्वोत्तर में एकमात्र मिजोरम ही राज्य जहां कांग्रेस की सरकार वहां पर अभी फिलहाल तो बताया जा रहा वहां है, लेकिन एमएनएफ इस बार 25 सीटों पे रुझानों में आगे है। तो चलिए हम अपने एक्सपर्ट से बारी बारी से सभी राज्यों के ऊपर राय लेंगे, क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो हेमंत सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सभी सीटों पे रुझान आ गए हैं और जो बातें एग्जिट पोल से उलट, शिवराज सिंह फिर से मैदान में उसी तेवर के साथ दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एग्जिट पोल में भी कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी, लेकिन ये राजनीतिक चर्चा ये थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो अभी जो रुझान आ रहा है तो रुझानों को अगर देखें तो उसके लिहाज से मुकाबला बिल्कुल 50-50 का हो गया हुआ है जी। और मुझे लगता है कि एक घंटे के बाद जब नतीजे सामने आने लगेंगे, जब रुझान कन्वर्ट होने लगेंगे नतीजों में, तब जाकर के ये स्थिति स्पष्ट होगी कि वहां सरकार किसकी बनने जा रही है। बिंदु सर, आप हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश में से शिवराज सिंह की सरकार 15 सालों से, जब उम्मीद थी कि राहुल गांधी का फिर से फैक्टर चलेगा, वहाँ कमलनाथ मैदान में बने हुए थे, तो क्या तो ये सर क्या हुआ है कि फिर से कांटे की टक्कर दिख रही है, जो एग्जिट पोल गलत साबित हो रहा है? एग्जिट पोल को कभी भी वैज्ञानिक नहीं माना जाता है, वो एक जस्ट रुझान होता है, पूरी तरह से उलट नहीं है, कांटे की टक्कर है, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चल रहा है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 111-110 और इसमें बहुत कुछ मायने रखेगा कि वहाँ राज्यपाल अगर ऐसी स्थिति रही तो किसे आमंत्रित करते हैं। दूसरी बात कि जो अन्य है वो 5 सीट बता रहा है, वो किधर करवट बदलता है, ये मायने रखता है। तो सर हम बात करते हैं, चलिए, बहुमत न आने की स्थिति में अगर किसी को बहुमत आ जाता है तो फिर तो कोई बात नहीं रहेगी। लेकिन अहमद जी, मैं जरूर आपसे ये जानना चाहूंगा कि राज्यपाल की भूमिका फिर क्या होगी ऐसी स्थिति में जब बराबरी का टक्कर हो। राज्यपाल की भूमिका तो निश्चित रूप से इसमें महत्वपूर्ण होगी, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अभी जो आप कह रहे थे कि रुझानों ये एग्जिट पोल से अलग जा रहा है, ऐसा नहीं है। एग्जिट पोल में भी इसको मध्य प्रदेश को कांटे के मुकाबले में दिखाया जा रहा था, कुछ एग्जिट पोल्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, कांग्रेस सरकार बहुत ज्यादा का फर्क नहीं नजर आ रहा था एग्जिट पोल में भी। तो मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल के अनुसार ही मध्य प्रदेश में तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली है, जो आदर्श की भूमिका इसमें काफी बढ़ जाएगी जब
जब बहुत ही कम मार्जिन रह जाता है तो बिल्कुल छोटे प्लेयर जिन बड़ी भूमिका में आ जाते हैं, बहुत बड़ी भूमिका में आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो पांच जो है ये मध्य प्रदेश में ये वो वे लोग हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि बसपा भी है और बीजेपी से अलग जो है वो लोग हैं। तो सर चलिए अब इस पे हम बात करेंगे, तो हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में स्थिति यह है कि भाजपा वहां पर पिछड़ गई है, कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। सर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें राजस्थान में, क्या ये जो दल बदल का हर एक पांच साल में सरकार बदलने का जो मामला, क्या जनता का मूड क्या है? राजस्थान में कांग्रेस की ही उम्मीद जताई जा रही थी, वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया की जो सरकार है उसे जनता बहुत खुश नहीं थी। स्थानीय जो मुद्दे थे वो तो हावी थे ही, और कहीं न कहीं केंद्र सरकार के प्रति जो असंतोष था वह भी वहां पर लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो राजस्थान में मैंने देखा है पिछले जो कुछ चुनाव हुए तो उसमें हर एक पांच साल पे जनता जो है कभी कांग्रेस को मौका दे रही है, फिर भाजपा को मौका दे रही है, फिर कांग्रेस को दे रही है। तो क्या वाकई में जो आप कह रहे हैं कि ये जो वसुंधरा राजे हैं उनके काम से जनता खुश नहीं है, या ऐसा है कि मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी जो मध्य प्रदेश का रुझान जो सामने आया है ताजा रुझान उसमें कांग्रेस आगे निकल गई है काफी, बीजेपी 101 घट गई है उसके पास रह गई है और कांग्रेस 116 के पास पहुंच गई है और अन्य तो ये और अन्य जो है वो 13 बढ़ गए हैं। तो यानी कि बीजेपी के खाते से जो निकल रहा है वो अन्य की तरफ जा रहा है और कांग्रेस आगे निकल गई है। तो इससे ये लग रहा है कि और वो आंकड़ा जो है 116 का वो मोहम्मद के आते जो जादुई आंकड़ा है उसको कांग्रेस छू रही है। तो चलिए सर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में उलटफेर चलता रहेगा क्योंकि हम बात कर ही रहे थे कि वहां पे टक्कर जो है वो कांटे की हो रही है। तो लेकिन राजस्थान में सर वही मैं कह रहा था आपको कि अभी इंतजार कीजिए आगे देखिए थोड़ी देर में तब्दीली सामने नजर आ रही है। अगर सर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या लगता है कि सीएम पद की दावेदारी किसके पास है? कमलनाथ है वहाँ पे और सिंधिया भी वहाँ पे मैदान में है, तो कांग्रेस किसे मुझे लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस जीतादित्य सिंधिया पर दाव लगाएगी क्योंकि युवा चेहरों को सामने ला करके 2019 का चुनाव लोकसभा का सामने है तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये चाहेंगे कि यूथ को सामने किया जाए। सर एक बात और मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस भाजपा वही सॉरी मध्य प्रदेश में अगर आती है तो विधायक दल वहां कोई नेता नहीं चुनता है, अब मनोनीत होता है। तो जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी जिसे वहां पर मनोनीत करेंगे वही विधायक दल उसे चुनेगा। और इसमें क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है एक बड़े कद के नेता है तो अपने राह से एक दावेदार को भी हटाना चाहेंगे राहुल गांधी कि जो अगर कांग्रेस लोकसभा आम चुनाव में अगर बहुमत पाती है तो कोई उनका दावेदार न रहे राहुल गांधी का। जी सर हम बात करेंगे मिजोरम की, मिजोरम एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य जहां कांग्रेस की अभी सरकार है और लेकिन जो अभी जो चुनावी नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं MNF कोसों आगे निकल चुका है कांग्रेस से, तो क्या वहां फिर कांग्रेस का सफाया हो जाएगा पूर्वोत्तर में? रंजीत मैं बताऊं कि पूर्वोत्तर को आप कह सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो रहा है, कांग्रेस मुक्त हो रहा है बिल्कुल क्योंकि एक अंतिम राज्य था जहां कांग्रेस की उम्मीद थी वह कांग्रेस के हाथ से। क्या पूर्वोत्तर में कांग्रेस से जनता त्रस्त हो चुकी है ऐसा मांगे तो? हाँ एक तरह से देखिए कि कांग्रेस का पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस का ही अक्षित राज्य हुआ करता था, धीरे धीरे उसमें से बहुत सारे राज्य बीजेपी के हाथ में चले गए और जो लोकल पार्टियां हैं जैसे स्थानीय दल वहां पर ज्यादा ही स्थानीय दल है तो कांग्रेस ये बीजेपी ने वहां स्थानीय दलों के साथ तालमेल बिठा करके कांग्रेस को हटाया सत्ता से और मिजोरम में वहां कांग्रेस की सरकार थी और MNF ने फिर से। तो बिंदु सर ये बताइए छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जो पीछे छूटते जा रहे हैं तो क्या मतलब कि भाजपा को वहां पे नापसंद किया जा रहा है, जो 15 सालों में वहां भी 3 टर्म वो रहे, जनता त्रस्त हो गई या जनता बदलाव चाहती है? निहायत तौर पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि रमन सिंह भाजपा के वहां एक बड़ा चेहरा थे, 15 सालों से मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो रमन सिंह को टक्कर दे सके। उसके बाद भी अगर कांग्रेस वहां पर उभर कर सामने आ रही है तो निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वहां जनता त्रस्त थी और ये उसके विरोध में वोट है, बिल्कुल विरोध में, जनता बदलाव चाह रही है। जी बिल्कुल। तो चलिए हम आपको आगे भी लगातार पांचों राज्यों में क्या अभी हलचल है, चुनाव में जो मतगणना हो रही है स्थिति क्या है, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए BeforePrint.in। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।